कंप्लीट हो गया लुक। मैं सामने से भी आपको दिखाता हूँ ये कैसा लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज टेक रेडर। तो कैसे हैं आप लोग, होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप नेकेड बाइक चलाते हो, एडवेंचर बाइक चलाते हो तो, एंड आप अपना बाइक अपग्रेड करना चाह रहे हो, नकल गार्ड्स लगाना चाह रहे हो, ना बहुत कन्फ्यूज हो कि कौन सा नकल गार्ड्स लगाना चाहिए, बाग बसेस पर जाना चाहिए या कोई लोकल लेना चाहिए, या फर्स्ट कॉपी ले या सेकेंड कॉपी ले, तो बहुत सारा चॉइस है मार्केट में। तो मैं भी आपके जैसा ही कन्फ्यूज था। मैं वेट कर रहा था पी ओ आई जी लेने के बाद। पी ओ आई जी मेरे लिए विंडस्क्रीन का था कि नहीं, पी ओ आई जी ही लूँगा, 10,000 लगे जो लगे मैं पी ओ आई जी ही लूँगा। एंड बागबस्टर्स में थोड़ा कन्फ्यूजन था मेरे को, मेरे को लगा था कि 11,000 लगाना वर्थ इट है नहीं है, नकल गार्ड्स हैं ये, ठीक है एल्युमिनियम का रहता है, तो उस टाइप में मैं कुछ खोज जाता था। मेरे स्पॉन्सर्स ने बोला कि कुछ आइटम आने वाला है उनके पास, तो मैं एक दो महीने वेट कर रहा था। तो अभी उनके पास बहुत ही सही प्रोडक्ट आया है, एंड ये रहा वो प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हो, ये आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, ये फर्स्ट कॉपी है बागबस्टर्स का। सीरियसली ये फर्स्ट कॉपी है बागबस्टर्स का। एंड इसका जो टूल्स है, जो फ्रेम है वो भी एल्युमिनियम का फ्रेम है, वो बस ब्लैक कलर में किया हुआ है। एंड जो अटैचमेंट्स होते हैं इसके, जो मतलब लॉक सेटिंग होता है जो आप हैंडल बार पे करते हो, वो सेम टू सेम है बागबस्टर्स के जैसे। आप आगे वीडियो में देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज, आप कन्फ्यूज अगर हो गए तो आई थिंक इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको 11,000 बागबस्टर में लगाना चाहिए या फर्स्ट कॉपी लेना चाहिए। बट ये पूरा पर्सनल चॉइस है आपका। मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं वो बेकार है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटली आपका चॉइस है। आपको जो सही लगता है आप डिसाइड करो एंड आप बोलो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही परफेक्ट चॉइस रहा मेरे लिए, बहुत ही अच्छा है एंड ज़्यादा का भी नहीं है। मैं प्राइस आपका डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, एंड प्राइस अगर नहीं भी रहेगा तो एटलीस्ट वो लिंक मेंशन कर दूंगा जहां से आप बाय कर सकते हो, क्योंकि इसका प्राइस अभी कम है एंड पता नहीं डिमांड बहुत ज़्यादा है इसका, बहुत लोग मंगा रहे हैं। तो मतलब वो प्राइस उसके ऊपर बेस्ड है, स्पॉन्सर्स के ऊपर बेस्ड है, वो मेरा कंट्रोल उस पर नहीं है। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके ऑर्डर कर सकते हो। मैं इंस्टा का लिंक डाल दूंगा एंड मेरे 20 मोड्स के पेज पर जाके वो आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। तो गाइस चलिए आपको दिखाते हैं कि इस पूरे आइटम में क्या क्या उन्होंने दिया है, एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा ये कंटेंट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से, आपके हर एक व्यू से मैं यहाँ पे हूँ एंड ऐसे वीडियोज़ आपके लिए अच्छे अच्छे बनाते रहूँगा। सो गाइज, ये रहा पूरा पैकेज। तो ये है बागबस्टर्स का लेफ्ट एंड राइट का नकल, एंड ये हो गया आपका फ्रेम जो कि ब्लैक कलर में आप देख रहे हो, बट ये एल्युमिनियम का फ्रेम है, ठीक है, जैसे कि बागबस्टर्स का रहता है। एंड लुक वाइज तो आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो लुक वाइज बिल्कुल बागबस्टर्स जैसा है। ये बागबस्टर्स का फर्स्ट कॉपी है एक्चुअली, एंड जो ओरिजिनल बागबस्टर्स होते हैं उसके ऊपर ये वाला चीज़ स्टिकर नहीं होता है, ये आपका थोड़ा सा इंग्रॉस टाइप का होता है, उठा हुआ आता है, जिसपे आपका कलर अलग रहेगा या वाइट ही रहता है, बहुत सारे कलर्स में आता है। इसमें चार कलर्स अवेलेबल हैं मेरे स्पॉन्सर्स के पास, तो एक है रेड, एक है ब्लू, एक है ब्लैक, एक है वाइट। सो ये चार कलर्स हैं। तो उसके बाद देख सकते हो ये भी दिया हुआ है जो कि नकल गार्ड के ऊपर लगता है, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये आपका लिट ऐसे बेसिकली फिट होता है नकल गार्ड्स के पास, एंड ये हो गया आपका पूरा ओरिजिनल लुक जो कि बागबस्टर्स का आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें जो भी फिटमेंट्स दिया हुआ है आप देख सकते हो, ये आपका लॉक सेटिंग वाला है जैसा कि बागबस्टर्स का रहता है। ये आपका हैंडल एंड में जो अंदर जाता है हैंडल पे, वो वाला पार्ट है, ठीक है। एंड ये आपका ब्लैक जो हो गया आपका वॉशर टाइप का हुआ, जो आपको इसके ऊपर नीचे दोनों साइड लगा के हैंडल पे लगाना है, सो दैट आपका हैंडल बार स्क्रैच नहीं हो। ये हो गया इसके पूरे फिटमेंट के, मतलब आपके बोल्ट्स हैं, फिर एक्सेसरीज जो भी बोलो आप वो हैं। एंड ये जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर के, ये आपका यहाँ पर जो आप फिट करोगे ना इसको, इसको कंप्लीट फिट करने के लिए ये है। एंड जब आप इस पर माउंट करोगे, जब इस फ्रेम पे माउंट करोगे इसको, तो ये उस मेटल के ऊपर से लग जाएगा। तो ये सब मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में बने रहो, एंड चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग पहले सेट कर लेते हैं एंड इसको फिर अलग से सेट कर लेते हैं।
सो गाइज, इसमें एक जो पैकेट था वो मैंने ओपन किया आपको दिखाने के लिए। जैसे कि मैंने दिखाया था आपको नकल गार्ड प्लास्टिक वाले सामने के पार्ट्स, ये है मेटल फ्रेम और ये है इसके साथ इसको अटैच करने के लिए प्लास्टिक का क्लैंप टाइप का है जो इसमें अटैच हो जाएगा। एंड ये मेन चीज़ है जिसके लिए हमको पूरा फ्रेम सेट करना है, ठीक है। तो मैं अलग करता जाता हूँ आपको बताते हुए। एक ये दोनों हमारे हैंडल के एंड में लगेगा इस वाले पार्ट में, ठीक है। हैंडल में जो दोनों जाएगा ये अलग कर रहा हूँ मैं, ये आपका मैं दिखाता हूँ। फिर आपका ये हो गया एक पैर, ठीक है, इसको आप ऐसे लगाओ, ये हो गया आपका हैंडल बार में रहेगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी मतलब बागबस्टर से डिफरेंट लग ही नहीं रहा है ये। इसका सारा चीज़ देख रहे हो कितने अच्छे से इन्होंने ये चीज़ बना के रखा है कॉपी में, बहुत ही सही लगा। मैं एक्चुअली UIG का जब विंडस्क्रीन लिया था मैंने, तो मेरे मन में था कि मैं ये भी ले लूँगा, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, बागबस्टर्स में पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था मेरा कि 11,000 में उसमें इन्वेस्ट करूं, क्योंकि उसके ऑल्टरनेटिव मुझे मिल रहे थे। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे मना किया कि मेरे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट आ गया है तो आप मत लगाओ पैसे उसमें, बेटर होगा आप वेट करो थोड़ा। तो मैंने थोड़ा वेट किया एंड ये मुझे मिल गया एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट बिकॉज क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, पूरे एलुमिनियम के ये सब पार्ट्स हैं। एंड ये हो गया, आप ये एक्स्ट्रा है शायद, ठीक है, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा है। एंड ये हो गया जो कि आपका यहाँ पे फिट होगा ऐसे करके, ठीक है, दोनों साइड। ये हमारे इस पार्ट में जॉइंट होगा, जो पतला वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये जब हम बैठाएंगे ना तब इसका मतलब एक्चुअल आइडिया मिलेगा इसको कैसे बैठाना है। तो मैं ये आपको बस रिप्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए मैं दिखा रहा हूँ पूरे पार्ट्स क्या क्या हैं। एंड ये जो आप स्क्रूज देख रहे हो, तो आई थिंक इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो दो बड़े वाले स्क्रूज हैं, ये इसमें जाएगा ऑब्वियसली, जो भी आप ये देख रहे हो ना गोल हेड वाला, ठीक है, ये आपका इस दोनों एंड में यूज़ होगा। इसका मतलब इस वाले एंड में जहाँ पे ये हम इसके साथ फिट करेंगे, ठीक है। एंड और बाकी जो स्क्रूज देख रहे हो 6 बज गए हैं, तो ये हो गया यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एग्जैक्टली मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये कहाँ फिट होने वाला है, ठीक है। तो आपको इससे बहुत अच्छा आइडिया मिल चुका होगा। तो अब इसके बाद यहाँ पे कुछ भी फिट करके मुझे फ़ायदा नहीं है बिकॉज मुझे बाइक के पास जाके खोलना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा। बस मैं ये फ़िट कर सकता हूँ आपको दिखाने के लिए, बट वहाँ पर फिर मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ आई हैव नो आइडिया। बट स्टिल अगर मैं देखूँ तो मैं इसको ऐसे सेट करके रखूँगा अपने लिए। एंड गाइस चलिए फिर आपको बाइक के पास जाके दिखाता हूँ एंड ये पूरे एक्सेसरीज को मैं फ़िट करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि बाइक में कैसे लगेगा। एंड कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो नीचे रेड बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, वो भी क्लिक कर देना। एंड उसके साथ बेल आइकन के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। सो गाइस बाइक के पास मैं आ चुका हूँ एंड बागबस्टर्स का नकल कट जो है फर्स्ट कॉपी उसको इंस्टॉल करते हैं साथ में। बट इंस्टॉलेशन के पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपको ये लगेगा आइटम स्पैनर जो कि 8 और 9 नंबर का, और साथ में दो एलन कीज़ हैं, ये आपका 4 mm का है और 5 mm का है। तो ये ही 3 यूज़ होगा, अगर कुछ और यूज़ पड़ेगा तो मैं आपको बीच वीडियो में दिखा दूंगा। तो चलिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ओवरव्यू में बता देता हूँ कैसे लगेगा। ये इधर जाएगा जो आपका एक पार्ट यहाँ पे ऐसे आ गया और ये ऐसे जाकर ऐसे आएगा एंड यहाँ पे क्लैंप फिट होगा जो आप देख सकते हो। तो क्लैंप थोड़ा सा ऐसे नीचे से ऐसे गया हुआ है, तो यहाँ पर ये चीज़ एक कम्प्लीट फिट हो जाएगा एंड वैसे ही हमारा यहाँ पर एक कम्प्लीट फिट आ जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं एंड आपको दिखाते हैं कैसे कैसे क्या होगा। बीच बीच में वीडियोस आपको मैं लगाते हुए नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज उसके लिए मुझे हेल्प चाहिए होगा। तो जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा आगे बढ़ता जाऊंगा, एक स्टेप आपको मैं दिखाता जाऊंगा। सो गाइस ये मैंने अभी यहाँ से निकाला है, ओपन किया है, ये वाला जो आप नट देख रहे हो ना और इसका साइज़, इसको दोनों को ऐसे रखो तो आप देख सकते हो ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना बाहर में, अगर मैं इसको करूँगा तो ये रॉड का साइज़ इतना में फिट हो जाएगा। तो ये वाला यूज़ करके आपको ऊपर में लगाना है। अब मैं ये आपको लगा कर दिखाता हूँ कि जो मेटल रॉड है वो यहाँ पे कैसे फिट होगा। सो गाइस ये रहा स्टेप 1, इसका जो नट है आपको वो निकालना है, उसके जगह आपको दूसरा नट लगाना है। आपको ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसका ऑलरेडी साइज़ ऐसा है कि अंदर में हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये नट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये नट का साइज़ सेम है, बस लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी ऐसे ही टाइट किया है, तो आप ये देख सकते हो लीवर से कितना आगे आ रहा है इसका साइज़ और यहाँ पे आके ये मीट कर रहा है। अब इसका जो अलग से क्लैंप है इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करने का ट्राई करेंगे एंड एडजस्ट करके आपको दिखाते हैं। एंड सिमिलरली यही चीज़ दूसरे साइड भी करना होगा, बट मैं आपको एक साइड का कम्प्लीट करके दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है।
सो गाइज ये वाला आप समझ रहे हो, ये हमारे हैंडल बार में लगेगा एंड ये आपका नीचे से जो है ये मेरे तार के नीचे से ऐसे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये मैंने सेट करके रखा है, यहाँ पर एक स्क्रू है, यहाँ पर एक स्क्रू है, यहाँ पे बोल्ट की ज़रूरत नहीं है। ये वाला मूवेबल पार्ट है जो कि आपका एडजस्ट होगा सामने वाले बार के हिसाब से। तो ये वाला मैंने 4mm को लेकर यहाँ पर बोल्ट किया हुआ है एंड ये वाला हम लोग यहाँ पर फिट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो इस साइड का मैंने फिटिंग कंप्लीट कर दिया है। तो आपको कैसे प्रोसीड करना है मैं बता देता हूँ, बिकॉज हमको थोड़ी दिक्कत हो रही थी, फिर एक आइडिया आया। तो बेसिकली यहाँ से इसको पूरा टाइट अप मत करना, थोड़ा सा लूज़ रखना, ठीक है ना, कि ये चीज़ बेंडेबल रहे। अगर आप इसको पूरा टाइट पहले ही कर दोगे तो ये बेंड नहीं हो पाएगा, जो कि आप यहाँ पे फिर आपको अटैच करने में दिक्कत होगा। तो इसको पहले सबसे स्टार्टिंग में आप क्या करो, इसको पहले फिट करो, यहाँ पे हल्का सा स्क्रू लगा कर रखो कि ये चीज़ गिरे नहीं, यहाँ पे अटके रहे और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहे। सेकंड, यहाँ पे आप पहले इसको सेट करो, थोड़ा लूज ही रखो कि आप इसको मूव कर पाओ, ऊपर नीचे मूव कर पाओ, ठीक है। नंबर टू, नंबर थ्री, जब ये फ्लेक्सिबल रहेगा ना तो ये आप ऑटोमेटिकली आगे पीछे थोड़ा सा बेंड कर पाओगे। एंड इसको फिर ऐसे सटा के ये वाला स्क्रू लगाने का ट्राई करो, इसको पहले पूरा टाइट कर लो, ठीक है, पूरा टाइट इसको कर लो, फिर इसको पूरा टाइट कर लो, तो ये फिर एकदम पोजिशन में आ जाएगा, ठीक है। या तो आपको सही लगे तो लास्ट में आप इसको टाइट करने के पहले इसको भी टाइट कर सकते हो, क्योंकि अगर इसका फिटिंग सही हो गया तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट फिट कर लेना है इसको, ये पूरा चीज़ हमारा लॉक हो जाएगा, फिर आराम से आके आप इसको टाइट कर लो। तो ये हमारा हुआ नंबर वन, लेफ्ट साइड का मेटल का रॉड हमारा हैंड कार्ड का फिट हो चुका है। अब मैं सेकेंड साइड का फिट करूँगा, वैसे ही आपको करने के बाद दिखाता हूँ कि कैसे किया है। मैं काम करता हूँ, आपको मैं दिखाई देता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ एग्जैक्टली, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि इसको मैं थोड़ा लर्न करना चाह रहा था मैं कैसे लगाऊँ नहीं लगाऊँ। अब मेरे को आइडिया हो गया है, अब एक काम करता हूँ राइट वाला आपको करके ही दिखा देता हूँ, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। एंड जो भी प्लास्टिक वाला पार्ट है वो तो मैं लास्ट में लगाऊंगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी टूट सकता है गलती से अगर गिर गया तो। तो चलिए चलते हैं राइट साइड पर। तो राइट साइड पे मेरे भाई ने ऑलरेडी ये वाला पार्ट ओपन करके रखा है। तो BMW में क्या है ना, ये वाला मतलब होल दिया हुआ है जिसका स्क्रू का बना हुआ है। तो बहुत सारे बाइक्स में क्या होता है, ये होल ऐसा नहीं रहता, थोड़ा बड़ा रहता है, बीच में पूरा हॉलो रहता है। तो वहाँ के लिए ये वाला पार्ट है कि ये अंदर चला जाएगा एंड ये चीज़ एक्सपैंड हो जाएगा। तो चलिए अब सेकेंड साइड का हम लगाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस पहला पॉइंट यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये इसके ऊपर से ये लगेगा जैसे कि उस साइड लगाया था मैंने। तो अभी के लिए ये अभी आपको एलन की ज़रूरत नहीं है, हाथ से जितना होता है थोड़ा सा आप इसको बस करके छोड़ दो ऐसे, ठीक है, धीरे से रखना अगर बाइक पर स्क्रैच नहीं लगाना चाहते हो तो। नेक्स्ट हम ये लेंगे, तो मैंने ऐसे ही फिट करके रखा है, ये देख रहे हो आप मैंने यहाँ पे लगा के रखा है पहले से ही। खैर इसको मैं ओपन करूँगा, मैंने सारा अरेंज कर दिया था आपको दिखाने के लिए, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कैसे ये पूरा अलग से रखा रहता है। सो ये पार्ट नीचे रहना चाहिए, ये हो गया पार्ट एक एंड ये हो गया नीचे से। गाइस इसको अच्छे से होल्ड कर लो, ये हो गया ऊपर का पार्ट। तो मेनली ये लगाने के बाद ही आप रॉड को फिट कर पाओगे, इसलिए इसको मैं इसको हल्का सा लगा ले रहा हूँ एंड सेकेंड वाला पार्ट भी। अब मैं ये लूँगा 4mm का एलन की एंड इसको थोड़ा अच्छे से टाइट कर दे रहा हूँ, लूज़ रखूँगा पूरे एंड तक टाइट नहीं करूँगा। ठीक है ऊपर का पार्ट हो गया, अब मैं ये नीचे का पार्ट कर रहा हूँ।
तो अभी आप देख रहे हो मैं पूरा टाइट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको इतना रख रहा हूँ कि ये मैं थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट कर सकूँ, लेकिन ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है क्योंकि मेरे को आगे का पार्ट सेट करना है। ये आराम से जितना होता है ना उतना कर दो, ठीक है, ये मूवेबल रहना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप, ये वाला बोल्ट, गोल वाला, ये हम लेंगे एंड इसको यहाँ पे फिट करेंगे। तो पूरा टाइट नहीं करने से क्या हो रहा है, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, मैं इसको ऊपर नीचे करके टाइट कर पा रहा हूँ अपने हिसाब से। अब इसको मैं एडजस्ट करता हूँ थोड़ा देखने के लिए कि मेरा ये सारा प्रॉब्लम नहीं करे, तो आई थिंक इतना में हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वायर ज़्यादा है, वहाँ पे वायर्स कम थे। एनीवेज मैं चेक कर ले रहा हूँ फिर से, सो गाइज़ ये मैं चेक कर रहा था कि मेरे वायर्स प्रेस नहीं हो रहे कहीं पे, तो आप चेक कर लेना बिकॉज़ यहाँ पे वायर्स ज़्यादा होते हैं, तो मैं ज़्यादा ऊपर नहीं इसको टाइट करूँगा, इतना करके मैं छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी मतलब देख रहे हो ना आप, तार है, ऐसा नहीं कि ये पूरा टाइट हो गया है, दिस लॉट ऑफ स्पेस हियर। तो ये पार्ट हम अच्छे से टाइट कर देंगे क्योंकि ये हमारा कन्फर्म हो चुका है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। अब इसको इतना टाइट हो गया है, लास्ट में हम रीचेक करेंगे। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक के थोड़ा नीचे है, वहाँ पे भी थोड़ा ब्रेक के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे वायर का कारण ना थोड़ा सा इसका पोजीशन ऊपर नीचे आ सकता है आपके हिसाब से। मैं यहाँ पर इसको ऊपर से भी कर सकता हूँ, बट आई थिंक मुझे यहाँ पर इशू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट दिया हुआ है, बट मैं घुमा के उसको भी चेक कर लूँगा बाद में। एनीवेज ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम इसको टाइट करेंगे, ये पार्ट हम टाइट करेंगे दूसरे आयरन की से जो कि है 5 mm का। अब ये पार्ट को हम कंप्लीट टाइट कर लेंगे, अब देख रहे हो अब टाइट हो गया, अगर मैं पहले करता तो वो लगा नहीं पाता। सो गाइस यहाँ पे एक चेंज किया मैंने, तो यहाँ पे आप देख रहे थे ये तार यहाँ पे अटक जा रहा था, जिसकी वजह से ये मैं थोड़ा ऊपर नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मेरा लेवल बिगड़ रहा था ये ब्रेक के में, ठीक है। तो ये मेरा नीचे कर दिया है, तार पूरा लूज़ है मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो ये यहाँ पर अब आराम से मेरा सेट हो गया है, अब यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो अब ये पूरा मैंने टाइट कर लिया है, ठीक है। अब मैं इस पे आपको सामने से बागबस्टर्स वाला जो प्लास्टिक कवर है वो लगा के दिखाता हूँ। सो गाइज़ मैंने दिखाया था आपको दो बागबस्टर्स के ये हैं फ्रेम प्लास्टिक वाले आगे के, और ये इसके ऊपर का ऐसे कवर है, तो मैं दिखाता हूँ ये कैसे फिट होगा आपके लिए। इन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा एक स्क्रू दे के रखा है, तो टोटल 5 स्क्रूज रहेंगे इसमें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये होल है, ठीक है, तो मैं इस पे बेस करके इसको लगा रहा हूँ, एंड ये 1, 2, 3, 4 ये आपका जब रॉड पे फिट होगा तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे। तो इसको मैं यहाँ बैठा रहा हूँ अच्छे से देख के, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा इसको टाइट कर देते हैं फिलहाल, ठीक है, एंड दूसरा वाला बैठाते हैं, हाँ बैठ गया। ज़्यादा भी आप जोर नहीं लगाना, जब आप देखोगे कि एंड तक चला जाएगा तो आराम से, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, हो गया ये एंड हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा करोगे प्लास्टिक है वो टूट जाएगा अंदर से, ज़्यादा स्क्रू करोगे तो। सिमिलरली इसका भी देख, इतना पे मैंने रोक दिया, ठीक है। तो ये देख लो फिनिश अच्छी है, हल्का सा गैप यहाँ रहेगा, एंड बस ये हो गया आपका सेट। अब फ्रंट में आप यहाँ देखोगे तो मैंने इसको ऐसे ही फिक्स करके रखा है, मैंने इसको लगाया नहीं अभी बोल्ट से, ठीक है, ये मैं ऐसे ही फिक्स करके रखा है इसको, इसको भी मैंने ये कंप्लीट लगा लिया था। ये वाली लाइन पर आप इसको बैठाओगे, फिनिश कितना अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको बैठा दूँ पूरे अच्छे से तो आप गौर से देखो, यहाँ पर देखो नॉर्मली आप जो मार्केट वाला देखते हो ना उसमें ऐसे निकलना हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है, इसमें देखो फिट कितना सही बैठ रहा है। यहाँ पर एंड में भी देखो एकदम सही फिट बैठ रहा है। अब यहाँ पर मुझे स्क्रू लगाना है, फिट करना है जो एक्स्ट्रा उन्होंने दिया अटैचमेंट, अब मैं ये भी लगा के आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये पार्ट मैंने आपको दिखाया कैसे लगेगा, फिलहाल मैं इसको निकाल रहा हूँ बिकॉज ये लास्ट में लगाना होगा जब मैं ये रॉड में फिट कर लूँगा, बिकॉज ये वाला क्लैंप और ये वाला क्लैंप मुझे लगाना है। तो ये आप देख रहे हो
थोड़ा सा ये हार्ड है, आपको ये चीज़ ऐसे बैठाना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली गैप बना के दिया है इन्होंने, तो इसको बस एक साइड फिट हो गया ये ऐसे, एंड फिर नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही रॉड के पास जाकर इसको हमें ऐसे फिट करना पड़ेगा। फिर आप प्रेस करो, दोनों साइड स्क्रू कर लो। सिमिलरली ये वाला भी वैसे ही है, आप देख रहे हो यहाँ पे कर्व बना हुआ है, तो कर्व का मतलब हो गया आप ये अंदर साइड में जाएगा कि रॉड के बेस पे ये कर्व्ड रहे। सिमिलरली यहाँ पर भी ये ऐसे ही लग जाएगा, यहाँ पर भी लगाते वक्त आपको ये चीज़ देख के बैठाना होगा। तो चलिए मैं लगा के दिखाते हैं आपको। सो गाइज, आप देख सकते हो जो मैंने दिखाया था आपको होल, ये उसके ऊपर मैंने आराम से फिट कर दिया है, एंड सिमिलरली इधर वाला भी मैंने फिट कर दिया है, नेक्स्ट इधर एंड एक उधर। तो इसके ऊपर आपको स्क्रूज़ लगाने हैं, तो चार जगह स्क्रूज़ आ जाएगा, एंड ऊपर जो आप देख रहे हो थोड़ा सा वाइट वाइट किया हुआ है, उसमें मैंने ऊपर वाला पार्ट लगाया था जो शील्ड टाइप का था, तो ये हम ऊपर से स्क्रू कर लेंगे एंड उसके ऊपर वो शील्ड लगाएंगे। अब मैं ये करके भी आपको दिखा देता हूँ फाइनल लुक। ये देखो सारे जगह ये लग चुका है, एक दो, फिर ये लास्ट में लगाया था मैंने। आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही रॉड पे लगा सकते हो अगर आपको जो इजी लगे। मैंने पहले नहीं किया बिकॉज मुझे लग रहा था कि कहीं डैमेज वैमेज नहीं हो जाए। ठीक है, एकदम सही है। ये देखो कैसे किया मैंने फिट, एंड यहाँ पर है फिर आपका, जैसे मैंने बताया था तार नीचे है, सिमिलरली इस साइड भी बिल्कुल वैसे ही, वहाँ पर, यहाँ पर, एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया लुक। मैं सामने से भी आपको दिखाता हूँ ये कैसा लग रहा है। ये देखिए बाइक पूरा कंप्लीट लग रहा है। वाओ, इट लुक्स रियली नाइस, आई एम हैप्पी। एंड गाइस, एक और चीज़, ये आप देख सकते हो ये क्रैश गार्ड का पैड आता है जो कि मैंने अभी अभी लगाया है। अब इसका मैं क्या वीडियो बनाता हूँ, मैंने सोचा था ये वीडियो के एंड मैं आपको दिखा दूंगा। तो जहाँ पे इंपैक्ट करता है ना, तो ये रॉड पे प्रेशर पूरा नहीं आके ये भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एंड बचाएगा बाइक को, साथ में क्रैश गार्ड भी ज़्यादा मतलब पचकेगा नहीं या आपका पेंट वेंट के लिए। तो ये इम्पैक्ट जोन पर मैंने लगाया है। सिमिलरली इस साइड भी आप देख सकते हो ये मैंने लगाया है GS एडवेंचर। तो ये सारे एक्सेसरीज आपको मेरे स्पॉन्सर के पास मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम में मुझे टैकी राइडर पर रीच कर सकते हो। एंड गाइस, बीस मोड्स का भी पेज है मेरा इंस्टाग्राम में, आप भी वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, बट मोस्टली मेरा जो इंस्टा का हैंडल है टैकी राइडर, उसी पे मुझे मैसेज करना, आप मुझे फॉलो करना एंड पिंग करना जो भी आपके क्वेरीज होंगे। जो भी एक्सेस आप बाइक के देख रहे हो, चाहे GS हो चाहे कोई बाइक्स हो, मोस्टली सारे बाइक्स के आपको एक्सेस में हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर के पास मोस्टली जो भी होगा मैं आप मुझसे क्वेरी करोगे, मैं उनसे पूछूंगा एंड मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, GS का भी एक्सेस बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं, जैसे कि ब्लॉकबस्टर्स का फर्स्ट कॉपी मैं आपको दिखा रहा था इस वीडियो में। होप करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रैश गार्ड हो गया, ग्रिल हो गया, फिर आपका एग्जॉस्ट स्लाइडर हो गया, सैडल स्टे हो गया, बॉक्स हो गया, पैनियर्स, एवरी एक्सेसरीज जो भी आप सोच सकते हो आप मुझे क्वेरी करो, मैं अगर हो पाएगा मैं स्पॉन्सर से बात करके आपके लिए उसका अरेंज करा दूंगा, एंड वो लोग शिपिंग ऑल ओवर इंडिया करते हैं तो इसका ही प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज, होप करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, एंड लाइक भी जरूर कर देना वीडियो को, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, सो दैट आपको आगे की वीडियोस के मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आप कुछ मिस नहीं करोगे। एंड अगर लाइव अपडेट्स चाहिए तो जैसे कि मैंने बताया टेकी राइडर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, जो भी रिसेंट में करता रहता हूँ, कहीं घूमने जाता हूँ सारे वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ, स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो आपको वहाँ से आइडिया भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।